हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप सभी को डिटेल्स बतानी थी। अगर किसी सभी साथी का अगर इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पर या फिर लाइनमैन पोस्ट पर या फिर शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ है और बढ़िया यहाँ पर क्या वैकेंसीज के बारे में डिटेल है और अगर आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है और कंटिन्यू अपनी तैयारी को अपने रखे हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए क्या है बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन अपना ले सकते हो आप। तो क्या कुछ इसके अंदर है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जिसके पास है उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका रहेगा गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, क्या कुछ इसमें मौका है, कौन सी जॉब रहेगी, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये है एनवीएस का, ठीक है ना। एनवीएस का नाम आपने सुना होगा और काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर क्या है पे स्केल होता है, बढ़िया प्रकार की हमारे पास क्या है जॉब रहती है, ठीक है ना। एनवीएस का है, एनवीएस के अंदर क्या कुछ दे रखा है पूरा देख लीजिए। पहले मैं सबसे पहले आपको इनकी जो डेट वगैरह है ना वो मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। देखिए सुनिए ध्यान से, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी इसके अंदर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22/3 को शुरू हो गए थे और 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, ध्यान रखना 30 तारीख लास्ट डेट है। अभी तक अगर किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दे। क्या कुछ इसके अंदर है पूरा, फीस वगैरह आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर फीस की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की मैं मेन बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, ठीक है ना। तो उनके लिए फीस यहां पर देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए जो फीस होगी वो ₹500, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस जो है वो ₹500 होगी। टोटल यहां पर दे रखा है ₹1000 फीस होती है, ठीक है। उसके बाद जो एससी कैंडिडेट है, एसटी है, पीडब्ल्यूबी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए, एससी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस नील है, प्रोसेसिंग फीस है ₹500 होगी, टोटल हो जाएगी ₹500, ठीक है, ये रहेगी फीस की बात। उसके बाद पोस्ट के बारे में क्या कुछ है वो डिटेल आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पोस्ट के बारे में क्या कुछ दे रखा है, कौन कौन सी इसके अंदर वैकेंसीज रहेगी वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो है हमें देखनी है इलेक्ट्रीशियन की, मैं मेन बात कर रहा हूँ क्योंकि थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है और अभी कुछ एक बच्चे जैसे थे जिनके भी एलम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, किसी कारणवश कोई एक नंबर से रह गया, कोई दो नंबर से रह गया, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकता है, बढ़िया मौका रहेगा, अच्छा खासा इसके अंदर पे स्केल है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट कोड आप देख लीजिए 11 है। आगे देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 75 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 23, इस तरह से टोटल आप देखते हो तो 128 टोटल वैकेंसीज बनती है, ठीक है। यहां पर ओएच की भी वैकेंसी है, वीएच की नहीं है, विजुअल हैंडीकैप नहीं है, एचएच की है और अदर दे रखा है, तो यहां पर टोटल बनती है 12। उसके बाद 12 अलग है एक्स सर्विसमैन की। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया अभी क्या क्या इसके अंदर होता है, कौन कौन सी पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया आराम से। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो इनका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है ना, मेडिकल आप देखोगे, डिसेबिलिटी कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कौन कौन सा इसके अंदर रहेगा, इनकी फुल फॉर्म वगैरह लास्ट में आपको मिल जाएगी, सारी फुल फॉर्म, कौन सी फुल फॉर्म किस पर डिपेंड है वो देख सकते हो आप। और नीचे एक बार मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में और इसके अंदर जो पे स्केल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर यह है जूनियर ट्रांसलेशन, ओके, यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी आपको चेक करना पड़ेगा अभी, क्वालिफिकेशन क्या कुछ दे रखा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन चेक करना जरूरी है, क्वालिफिकेशन चेक कर कर ही आप इसके अंदर अप्लाई करोगे। अपना है पोस्ट कोड नंबर 11, तो ये रही, ये देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड है 11। यहां पर आप देखोगे पे स्केल जो है वो सेंट्रल लेवल का आपको दिखाई दे रहा है, 19900 से लेकर 63200 तक, ठीक है ना, इन पे मैट्रिक्स। एज की बात काफी बच्चे सोच रहे हैं कि एज क्या रहेगा, और बहुत से जो है वो एज जिनकी ज्यादा है तो उनके लिए बढ़िया मौका है। यहां पर देख सकते हो आप 18 से लेकर 40 तक एज है ये, ठीक है ना, 18 से लेकर 40 तक है। अब देखिए क्वालिफिकेशन, 10th आपके पास होनी जरूरी है,
आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि इंस्टीट्यूट यानी ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर वायरमैन है वो अलाउ होंगे। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और वायरिंग या प्लम्बिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमारा एक्सपीरियंस तो कहीं अलग फील्ड से है, ठीक है, और कंपनी से है, तो बिल्कुल अगर किसी का कंपनी से कोई एक्सपीरियंस है तो वो चलेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड से एक्सपीरियंस है तो ये मान्य होगा। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये अगर आपके पास है तो यहां पर डिजायरेबल वो चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी एक्सपीरियंस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। एज छूट की आप देखोगे तो यहां पर SC के लिए है 5 साल की, ये तो नॉर्मल आप सभी को पता है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए भी जो इनका क्राइटेरिया रहेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या कुछ है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, मोड ऑफ सिलेक्शन ये आप सभी को पता है, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है ना, एग्जाम तो होगा ये आप सभी को पता है। क्या कुछ एग्जाम के अंदर है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, यहां पर दे रखा होगा, इलेक्ट्रिशियन का भी आपको मिलेगा इसके अंदर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहां पर लिखा हुआ है, हाँ ये रहा इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट है इनके लिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हेल्पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटिशन कंपिटेटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड, स्किल टेस्ट होगा आपका इसमें, जो आपका स्किल टेस्ट है वो जरूरी है, ये टेस्ट होगा। विल बी क्वालिफाई इन नेचर ओनली एंड कैरीज नो वेटेज इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल्स क्वालिफाई द ट्रेड स्किल टेस्ट देयर कैंडिडेट वुड बी रिजेक्टेड, हो जाएंगे अगर वो क्वालिफाई नहीं करते तो उन कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, यहाँ पर टाइपिंग भी होगा, टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, ये सारा कुछ रहेगा। और ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा भी, या ये भी आप चेक कर सकते हो, कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज, इन सिटीज के अंदर आपका क्या है एग्जाम होगा, इनमें से आप कोई भी सिटीज क्या है अपनी चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। तो मेन जो मोटी मोटी बात है वो मैंने आप सभी को बता दिया क्या कुछ इसके अंदर है। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो वो अपनी बढ़िया तरीके से यहां पर क्या अप्लाई कर सकता है, और बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस वगैरह एक बार मैं आपको यहां पर मेंशन कर रखा होगा, पोस्ट नंबर अपना रहेगा 11 कोड है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हो गया, यहां पर है कटिंग के लिए, ठीक है, ये हो गया जूनियर के लिए, और यहाँ पर भी जूनियर असिस्टेंट JVN के लिए है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ये रहा। यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग आपकी एबिलिटी का जो है 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स 15 के होंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है वो 15 का होगा, 15 मार्क्स के टोटल। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कंपिटेंसी ये भी 30 नंबर का है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद पार्ट 3 है ये, नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज ऑफ इसके अंदर क्या रहेगा, टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15-15 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफाई नॉलेज आपको 60 नंबर के यहाँ पर टेक्निकल जो बातें चलेगी, ठीक है ना, 60 नंबर टेक्निकल पार्ट इसके अंदर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल अगर आपका बेस्ट है तो आप बिल्कुल क्या इसके अंदर आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। टेक्निकल के लिए मैंने आप सभी को वैसे बता रखा है कि अपने जो ऐप है, ठीक है, अपनी जो ऐप रहेगी टेक्निकल मंच नाम से, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेक्निकल मंच जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करोगे, उस ऐप पर टेक्निकल मंच MANCH, ये हिंदी में नहीं लिखना आपको, इंग्लिश में लिखना है। इस ऐप पर आपको क्या है एक ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 के नाम से एक कोर्स मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, उस कोर्स पर आपको डिटेल से सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, सेंटर लेवल का हो, NBS का हो, चाहे हरियाणा लेवल का हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी बच्चों के लिए फायदेमंद है, अगर इस नोटिफिकेशन से एक भी बच्चे को अगर जॉब मिलती है तो बिल्कुल क्या है काफ़ी अच्छा लगेगा सभी को, ठीक है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो अभी इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। Thank you very much.